वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टेड एजुकेशन से आपको दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जो क्लास 8 का सब्जेक्ट आपका साइंस है। और ये वर्कशीट आपकी 24 अगस्त 2021। ये तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते आपको बेल दीजिए, बेल को क्लिक करके ऑल पर सेट कर दिया कि वर्कशीट की वीडियो देखो सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए देखते हैं वर्कशीट। यस्टरडे पिंकी वेंट टू पार्टी लॉन्ग विच हर ब्रदर डेफी डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स लाइक केक पेस्ट्री नूडल पिज्जा बर्गर एक्सेट्रा। आफ्टर रेंटिंग बल्कि रिटर्न ब्रदर कॉफ और सर्विन ऑफिटिंग फॉर लूज मोशन ही फादर लॉक बल्कि ब्रदर टू हॉस्पिटल वी बल्कि वेयर द डॉक्टर टोल्ड दैम डेट इज ड्यू फॉर पर्सनली पिंकी सैड फॉर गिव अस एनर्जी हाउ डिज इट वी पॉइजन टूडे विल ट्राई द लर्न अबाउट पॉइजन। मतलब फिल्म क्या हुआ है, जो पिंकी और अपने भाई के साथ पार्टी मंगाई, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्नैक्स खाए जाए। मतलब घर आने के बाद उसके भाई में कंप्लेन की कि जो पेट में दर्द हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है और लूज मोशन हो रहा है उसके। मतलब और उसके पापा ने भी मतलब इसके मसीज ने उसके हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उन्हें बताया कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई है। मतलब कि पूछने ये फूड ये पॉइजन क्या है, हमें एनर्जी देता है, मतलब कि फुहाना एनर्जी देगा वो कैसे हो सकते हैं। मतलब कि आज हम फूड पॉइजनिंग के बारे में समझेंगे। तो देखिए फूड पॉइजनिंग इज अ कोड विट ईट्स स्टेल विट बीन अपोलिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म समथिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन फूड प्रोडक्ट टॉक्सिक पॉइजन सब्सटेंस इन कैन लीड टू मिल्क जो माइक्रोजम जो मिल्क क्या करा जाता है, स्पॉल किया जाता है। ओके अधिक सम टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन फूड, मतलब कि कभी कभी तो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं और मोस्ट टेस्ट ऑफ सम टाइम्स मतलब कि प्रोड्यूट करते हैं। इस कैंट लर्न डिसी एलेवन एवन डेथ मतलब कि एवन बीमार हो जाते हैं और कभी इससे इतना केस बढ़ जाती है कि डेथ हो जाती है। ओके देखिए इक्वल है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनिज्म डेट कैन सू फूड पॉइजनिंग। नहीं क्या कह रहा है ये देखिए। ओके ये हमारा देखिए पर्सन ऑफ सर्फिंग द फूड पॉइजनिंग विद द शो फॉलोइंग सब्सटेंस मतलब कि जिसने मतलब फूड वो जो होता है लूज मोशन पेट में दर्द और वोमिटिंग होती है। ओके देखिए लूज ऑफ हंगर हाई फीवर मतलब कि और हाई फीवर भी होता है मतलब कि बुखार भी होता है। देखिए ऑलवेज ईट क्लीन अवर मतलब कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें नीट एंड क्लीन खाना खाइए, साफ खाना चाहिए खाना खाना चाहिए। ऑलवेज वॉश हैंड बिफोर मतलब कि जब भी हम खाना खाना चाहिए पहले हमें हाथ धोने चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल मस्ट वॉश बिफोर यूज मतलब कि जो वेजिटेबल फ्रूट उसको धो के फिर हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे हम फ्रूट उसको धो के खाना चाहिए। देखिए रो वेजिटेबल एंड मीट मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली, हमें जो मतलब कि वेज और मीट होता है उसको हमें पूरी तरह पकाना चाहिए। देखिए ओके देखिए ट्राई टू फिश फ्रेश मतलब कि ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, हमें ईट मतलब कि फ्रेश फूड खाना है। ओके इफ द फूड लेफ्ट ट्राई द इनबडी रेफ्रिजरेटर फ्रॉम फ्यूचर, मतलब कि हमें अगर कोई भी चीज़ होता है मतलब कि सब्जी बन चुकी तो हम इसके अगर रेफ्रिजरेटर में रखना चाहते दिए गए। तो पहले देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ देखिए वॉट इज द फूड पॉइजनिंग, अभी हम इसके करेंगे फ्रेंड्स। ओके मतलब कि इन्हें कम के टेम्परेचर में कैसे होता है, ओके मतलब कि कैसे होता है लंबे टाइम तक होता है। ओके चलिए करते हैं इसका आंसर, अब करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द फूड पॉइजनिंग, मतलब कि फूड पॉइजनिंग क्या है, हम समझाते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ग्रो करते हैं मतलब कि जो अपना जो पॉइजन है सम्प्रेक्टर मतलब कि रिलीज करते हैं तो जो खाना ख़राब हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं ईट कर लेते हैं, उससे क्या हो जाता है फूड पॉइजनिंग। ओके चलिए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए सम पॉइजनिंग मतलब कि सब आ प्रोडक्ट ऑफ सेल बाय ऑर्गेनिज्म इफ अवर स्टमक स्टार्ट इज ऑफ कॉल्ड पॉइजन। ओके तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर यहीं से कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखिए आपका आंसर नंबर 3 आप यहाँ से कर लेंगे। ओके आपको यहाँ से आंसर नंबर 3 कर लेंगे। ओके ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विराट द हैबिट डेट कैन हेल्प अस टू प्रेवेंट फूड पॉइजनिंग, तो हमें यहाँ पे दिए गए देखिए ये वाला हमारा है तो हम ये पूरा लिख लेंगे, चाहे तो कुछ एक दो लाइन में छोड़ सकते। ओके तो अब यहाँ से पूरा मतलब कि ऐसे कर लेंगे। ओके देखिए क्वेश्चन फिर देखते हैं। व्हाट आर सिम्बायोटिक्स फॉर फूड पॉइजनिंग, तो देखिए इसका आंसर कि फूड फॉर सिम्पटम्स बताने हैं मतलब कि बहुत अच्छे से दिया गया। ये देखिए वॉमिटिंग पेनिंग स्टमक लूज मोशन लूज ऑफ हंगर एंड हाई फेवर, इसमें कोई सा 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, 5 पॉइंट बता दिएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड जो हमारी आज की वर्कशीट होती है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीवी चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते आपको बेल दिखिए, बेल को क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए कि वर्कशीट की वीडियो होती है आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग और लाइक जरूर करें, कमेंट में आपको बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी।